क्या है। ओके गाइस, तो आप मेरे साथ तीन लोग देख रहे हो जिसमें से एक्चुअली आप संचित को जानते हो, बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो। मैं बता देता हूँ आपको, मेरे साथ में आवेज है जो SEO एक्सपर्ट है, एंड उधर अजय है जिसका भी IT से डिग्री कंप्लीट हुआ है एंड ही इज़ डूइंग नाउ मास्टर डिग्री। और आप को मैं बता दूँ, तीनों मेरे स्टूडेंट ही हैं। और आज हम लोग जो आए हुए हैं मनोरी बीच पर है, अगर वो साइड में मैं आपको बताऊंगा वो साइड, तो उधर मनोरी बीच है और इधर हमारे पीछे पाम बीच रिसोर्ट है मनोरी का, और ये पीछे एक माउंटेन है, छोटा सा पहाड़ी है जहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं, बाइकिंग करते हैं, साइकिल से आते हैं। आज हमारे साथ तीन नए लोग हैं, तो वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देंगे फाइम व्लॉग पर। आवेश कुछ बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आवेश है, आवेश शेख, और मैं फहीम सर का स्टूडेंट हूँ। राज में बहुत साल पहले से पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा हूँ इनके साथ। ओके, उधर संचित है। मैं भी वही बोलूँगा। वो भी वही बोलेगा। और उधर हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय माड़िक है, मैं सर का स्टूडेंट हूँ, 5 साल से मैं उनके साथ ही सीख रहा हूँ। 5 साल हो गया। हाँ, उनके साथ ही डिग्री कम्प्लीट हुआ है उनके हेल्प से। और अभी बस अजय का नंबर है एक अच्छी जॉब का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट अजय को, जल्दी से जल्दी एक बढ़िया जॉब मिले। ऑल द बेस्ट यू बडी। और अभी यहाँ का हम लोग आपको ये चारों तरफ का एक व्यू दिखा देते हैं। देखिए इधर ना बहुत बड़े बड़े पत्थर है एक्चुअली जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। मैं थोड़ा ये साइड पर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो वो लोग जो खड़े हैं, पीछे समंदर का किनारा है और इधर एक खूबसूरत व्यू है। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं वो पहाड़ी पर उधर, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग आज अपने साथ बहुत कुछ लेके आए हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग मुंबई में विज़िट करने के लिए आते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें ऊपर नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से हम लोग घर से लाए हैं। संडे का दिन है और आज यहाँ पर 3-4 घंटा मस्त आराम करने वाले हैं, और इस आराम की एक मेमोरी आपके साथ शेयर होगी। आ जाओ, चलो भाई, भाई हट गए वहाँ से। भाई इधर बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर वो साइड में, और वहाँ पर बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं। मनोरी बीच के माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये साइड में जो है पाम बीच रिसोर्ट है, और ये साइड में आवेश खड़ा है, और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ये मनोरी का पहाड़ है। यहाँ से बीच दिखती है, जब आप कभी भी मनोरी विजिट करने आते हो तो बीच से ये सीन दिखता है। तो आज हम यहाँ पर जा रहे हैं। एक्चुअली उधर जाने के बाद ना थोड़ा एक अलग वाला फीलिंग आता है, मतलब आधे लोगों ने तो ये बीच मुंबई में देखा ही नहीं, क्योंकि इसको आप एक हिडन प्लेस जैसे बोल सकते हो। हमारे साथ में अजय भी है। अजय आज एकदम स्मार्ट लग रहा है, अजय को लो वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ अभी। भाई यार पानी की बोतल खाली हम लोग कम लाए हैं, और पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, बाकी तो सब कुछ है हमारे पास में। पानी मिल गया, एक ही बोतल है। भाई थोड़ा थोड़ा पीना, खाने का टाइम पे बाद में। पानी कोई बेचने वाला आएगा तो लेना पड़ेगा। कोई आएगा है? कोई आएगा ही नहीं। यार छा किधर मिलेगी? वो स्टैंड किसके पास है? हाँ, थैंक यू। कम ऑन गाइस, आप लोग बहुत मेहनत कर चुके हो, फटाफट आ जाओ। 80% मेहनत होगी ना? हाँ, नहीं 70% फॉर द रिमेनिंग 10। आ जाओ, तुमको खाने पीने मिलेगा।
हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, पीछे हेलीकॉप्टर जा रहा है। तुम लोग में थका कौन है? ये हम लोग में कोई नहीं, मैं थक गया। हाँ, हम लोग में फहीम भाई थके। नाते रहन कौन चला था? कैमरा लगा। यहाँ पर वैसे आप बाइक भी चढ़ा सकते हो चढ़ाना चाहो तो। सबसे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा, उसके बाद कुछ और। आह भाई, पीछे समंदर है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। क्या बोलते हो हवा के बारे में? एकदम मस्त हवा चल रही है। ये जो ऊपर खंभा लगा हुआ है ये, इस पर स्ट्रीट लाइट भी है क्या? ये स्ट्रीट लाइट भी है और ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। आप जो यहाँ पर आके हरकत करोगे सब रिकॉर्ड हो जाएगी। हेलो एवरीवन, फहीम भाई अभी ब्रेक पे गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो उनकी जगह मैं आया हूँ और मेरे साथ अभी फ़िलहाल दो लोग और हैं। फहीम भाई वहाँ आगे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उनको ये सेल्फी स्टिक पकड़ते पकड़ते उनका हाथ दर्द बहुत कर दिया है, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ा और अभी के लिए मैं होस्ट हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और आप पीछे का व्यू देख सकते हो कि कितना हार्ड है। यहाँ से शायद दिख नहीं रहा होगा, वहाँ आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये बोल सकते हैं कि एक मिनी ट्रैक की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत चलना भी पड़ता है। मनोरी बीच वहाँ बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा, शायद यहाँ से दिख भी नहीं रहा। जो एकदम कॉर्नर में वो दिख रहा है ना सब कुछ रेती रेती जैसा, या जो समुंदर का जो एकदम कॉर्नर दिख रहा है उधर है बीच। जब भी तुम्हें छुट्टी मिली हो ऑफिस से, कॉलेज से या कहीं से भी, तो एक ना एक बार यहाँ पर ज़रूर आए। यहाँ एक तरह का एक सुकून वाली प्लेस है, और आना है तो फ्रेंड्स लोग के साथ आना, ग्रुप्स में आना या कपल्स में आना, जैसे आपकी मर्जी हो, बस अकेले मत आना, बोर हो जाओगे। उधर एसएल वर्ड दिख रहा है, वो बता दो एसएल वर्ड का। और गाइस वहाँ है एसएल वर्ल्ड का पैगोड़ा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा से दिखाना पड़ेगा। आप देख सकते हो सामने एसएल वर्ल्ड का पैगोड़ा, शायद झाड़ आ रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा। हाँ, वहाँ आप देख सकते हो कि बहुत दूर पर है, एकदम सोने का कलर जैसे, गोल्डन कलर जैसे। यहाँ अगर ऐसे सीनरी में अगर ड्रोन शूट भी हो जाता तो और बहुत मज़ा आती। अभी फ़िलहाल ड्रोन है नहीं, फ्यूचर में लेने का सोच रहे। कैमरे में ऐसा दिख रहा है तो सोचो रियल में कैसा दिखेगा। रियल में इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। और वहाँ रहे अपने फहीम भाई। आवेश बहुत टाइम से सिचुएशन संभाल रहा था जब तक मैं थक चुका था। अभी मैं बता दूं, हम लोग उधर से आए हैं, उधर पीछे मनोरी बीच है और हम लोग काफ़ी ऊपर आके चढ़ चुके हैं। सुबह सुबह बहुत ठंडी का टाइम था, तो हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमको अपने साथ में टेंट लेना चाहिए। हम ये ऊपर पहाड़ पर आ चुके हैं, लेकिन यार धूप लग रही है, हम लोग थक चुके हैं, गर्मी का टाइम है। अब हमको एक्चुअली खाना नाश्ता करना है, तो ये जगह मैंने ढूँढा है इधर। ये देखो, इधर हम लोग बैठने वाले हैं और इधर ही खाएंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि पीछे समंदर है, पीछे समंदर है, और समंदर के बाजू में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठ के हम लोगों का नाश्ता होगा। व्लॉग कौन सा माइक यूज़ करते हैं, कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? आज ये कैमरा हम लोग लाए हैं अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए। ये ट्राइपॉड है जो मेरे पास है और इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ज़्यादा ऊँचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हम बैठने वाले हैं। अजय वो दो, और ये इधर लगा देते हैं आराम से। बस अभी सेटअप कंप्लीट करके संचित चादर निकालो, इधर बिछाओ, इसको बाजू में रख दो। अरे तुम उठ जाओ, चटाई बिछा लो। ऐसा लग रहा है अजय फोटोशूट के लिए बैठा है। हाँ। उधर ही ना, उधर तक चटाई बिछा लो। ये पत्थर देखो ना, अजय पत्थर हटेगा क्या? ये
लोग इतनी चटाई पे चारों लेटेंगे थोड़ी देर तो आराम करेंगे मस्त, तकिए का काम हमारा बैक करेगा। हाँ, और खाने के लिए जो जो लाए है ना पहले वो सब आपको दिखाते हैं। इनका तो गला सादा सुकरा रहेगा। पानी बेचने वाला आ जाना चाहिए एक बार। नहीं, 40 रुपए की बोतल भी देगा तो ले लेंगे, नीचे से जाने से बेहतर यहीं पे ले लो। उनको चाय पीना पड़ेगा सबसे पहले। चाय पीते आराम से, बढ़िया वाली चाय लाए भाई आज हम लोग, वो भी स्पेशल चाय। तुम लोग दूध की चाय पीते हो, हम लोग दूध बचा के पियेंगे। नहीं, दूध वाली चाय ना भारी हो जाएगा, अभी तो चढ़ान वड़ान है इसके लिए। वो तो कॉफी भी बना कर दिया इसके लिए मैंने। मेरे को कॉफी जमती नहीं है, जमेगी नहीं मतलब। मैं तुम लोग को पानी का याद दिला देता ना तो बढ़िया रहता। एक्चुअली क्या हुआ, मैं क्या सोचा उधर से ही खरीद लेंगे पानी, पानी का ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो इतना कुछ लिया। अबे सुबह लगा नींबू इधर पे है ना। हाँ ये तो ये ज्यादा कम्फर्टेबल। अरे यार सेट एक चीज फिर भी भूल गया हम लोग, मालूम क्या भूल गया? रेबन का नींबू काटेंगे कैसा? रेबन का ये क्या हुआ अवेश? रेबन का थक गए, चाय पीने का मेरे को थोड़ा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है फिर। हाँ चाय पीना ना आराम से। सर लगा से ये किसका है? अरे वाह भाई वाह, तुम बताते नहीं हो यार, एक से एक चीज लेके घूमते हो। हाँ ये पहन के रखो अच्छा दिखेगा सही में। हाँ हाँ मेरे को तो लग रहा वो वाला अच्छा लग रहा था। हाँ दो चार फोटो इसमें ले लेंगे ना। हाँ चलो पहले सामान निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये पाव है ना। हाँ। पाव को ना ऐसा बांध के रख दो थोड़ी देर, क्योंकि इसको भी बाद में खाने का है ना, ऐसा बराबर की नहीं। तो चाय देने के लिए हमारे पास में एक बड़ी चीज है, रिफ्लेक्टिव। ओ भाई क्या गजब की चीज है, सुबह से निकले हुए हैं अभी भी गर्म है पूरा, बाहर से भी गर्म है, देखो छू के देखो। मस्त ना, ये ले इसको इधर साइड में रखते हैं। तुम्हारे बैग में मैंने ग्लास रखा था, ग्लास निकालो। सेल्फी स्टिक को भी साइड में रख दो, बस जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो अपने को याद रखना है कि कुछ चीजें भूल लेना चाहिए ना सर। चक्कू लेके आना चाहिए। चक्कू नहीं लाया ना भाई, काट देते थे, ये थोड़ा आराम हो जाता बैठने के लिए। ए, इसको इसको साइड में रख दो, ये आवेश तुम ये तुम्हारा पकड़ो, बाकी का सारा सामान इधर से हटा दो। एक्चुअली तुम्हारा ग्लास ये, तुम्हारा ग्लास नहीं कर सकता शायद। चलो उसे रख दो, आप पहले चाय पी लो, देखते इसको इधर साइड में रखो, ये सबसे तो जल्दी रहा निकालो ना मेरे बैग में से। हाँ ये पकड़ो लास्ट वाले चेन मेरे का, ठीक है ये ग्लास वाले रख दो, उधर ही रख दो। निकालो ना ब्लैक कलर की थैली है, बड़ा वाला आगे वाली सबसे आगे वाली। एक काम करो फर्स्ट वाला, नहीं ये पेन है, पेन है बैग में, पेन है लास्ट वाला, लास्ट वाला लास्ट, उसको कुछ पेन है बैग में, आवेश पेन तुम्हारे बैग में पेन है, वो है ना वेफर की थैली में। अपने अपने गिलास पे नाम लिख लो क्योंकि दोबारा भी पीने का। सर संचित पकड़ो, अजय मिला, ये अजय का है ये क्योंकि बार बार ज्यादा गिलास खर्चा करेंगे तो पी नहीं पाएंगे ना। तो हमारे सबके अपने अपने गिलास हो चुके हैं, ये बाकी के गिलास रख दो। अपन जो ड्रोन शूट में वो जो देखो वीडियो, ओ भाई पूरा गरम है, बस जल्दी जल्दी लेते रहो क्योंकि बंद करना नहीं तो ठंडी हो। ये मेरा है ना, बहुत गरम है, बहुत गरम है, फुल गरम है भाई साहब, इतना गरम नहीं पीता तुम लोगों को जितना गरम पीना उतना पी लेना। बस बस बस, आधा कप देना भाई। ये है काली चाय, आधा देना, ये लेमन इसको पैक ही रखने का, एकदम फिट मस्त है ना। नींबू काट के ले गए नहीं? अरे अभी लेमन टी ले लिया है हमने अपना अपना, अब इस लेमन टी के अंदर डलेगा मसाला, जो मसाला मैं स्पेशल लेके आया हूँ। लेके अरे वाह, ये इसके अंदर जलजीरा है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, ये भी मिक्स ये भी एक मिक्स कर देते हैं, जिसको जैसा टेस्ट चाहिए रहेगा जलजीरे का वो ले लेगा। इसके अंदर डाल दिए हम ये, पकड़ो इसको पकड़ो, मेरा बैग ऐसा मत रुको, वो उसमें इडली वड़ा है गिर जाएगा। अभी उसको निकाल के रख लेंगे ना, बस चाय पी लेता हूँ मैं, चाय पहले पी रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी भी थोड़ा सर का दर्द है ना, निकल जाएगा इससे। इसके बाद नींबू है, लेकिन नींबू के साथ में सीन है, काटने के लिए अपन कुछ लाए नहीं है, दांत से काटो। ये नींबू है बेहतरीन वाला लेमन, अब इसको काटने का आइडिया हमको आवेश देगा कि कैसा काटने का है उसको, वैसे थोड़ा सा ही काटने का है, नहीं काटना चाहूंगा मैं उसको, हाथ से करो, हाथ से नहीं कटेगा, पेन से करोगे क्या? पेन
पेन से चलेगा ना मेरे पास। नहीं नहीं है, अपन जंगल में है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे इसको निकालो, पीछे देखो इतनी सारी झाड़ियां होने के बाद भी तुमको क्या जंगल में सारे जुगाड़ मिल जाते हैं। ठीक है, पहले कभी आपने ऐसा नींबू को काटा भी नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नींबू को काटने के लिए आपको चाहिए कुछ डंडी और इसको अंदर इसको घुसा देने का 2-3 बार। ठीक है, कड़िया रस्सी निकालने का निकल जाएगा। अभी लाओ अपना ग्लास आगे करो, संचित संचित आगे करो। निकल रहा, निकल रहा, और डालो थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा मत डालो, टेस्ट निकल जाएगा, अलग टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा। चलो नींबू किसी को कम लगेगा तो बताना, और डालेंगे, और थोड़ा डालो। स्पाइडर है, रुको रुको रुको, कीड़ा था, कुछ नहीं होता वो स्पाइडर से, खाने का थोड़ी हम लोग। देखो यार, लेकिन एक गिलास और लेना पड़ेगा। हाँ उठा लो एक एक्स्ट्रा गिलास, समझा मैं क्यों बोल रहा हूँ? थोड़ा सा देना हमारे पास, जिसको नींबू का एक गिलास और उठाओ, आवेश एक गिलास उठा दो, ये रेड बैग में रखो, जाओ उठाओ उठाओ एक गिलास उठाओ, लास्ट चेन में। सही लग रही है कि नहीं? नहीं लग रहा, बहुत सही लग रहा है, लास्ट चेन में, लास्ट चेन में। ये बढ़िया है, अभी थोड़ा नमक और डाल लो जिसको कम लगेगा। भाई चाय पी के देख, पहले मिक्स करने दो। कहाँ है, किधर डाला आवेश? लास्ट वाले बोले, लास्ट बैग में जब वेफर ये सब है ना, एक वेफर के अंदर ये इधर से कम 50-60, सोच 1 लाख तक भी जा सकता है। तुमको नहीं मिलाने का, मिला लो ना, हनी भी डाल रहे उसके अंदर। आहा, हनी भी डाले हो क्या? डालो, नहीं मस्त लग रहा है, मस्त है एकदम। थोड़ा इसका डाल भाई, हाँ थोड़ा मुझे भी, मेरे में भी डाल दो, नमक उमक के साथ ही मजा आता है एक्चुअली। इसमें हनी डाले क्या थोड़ा सा आपने? नहीं सब वो डाला, वो सुगर, हाँ डाल दो, आधा डालो, बस 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 बस। नौकर डाल, हाँ नहीं नहीं लो ना, थोड़ी थोड़ी चाय और ले लो, लो लो फटाफट ले लो पहले चाय, और मिक्स करना पड़ेगा ना फिर। हाँ करो ना अपने हिसाब से, थोड़ा डाल इसके अंदर आप, बस 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 लो संचित, और लो शाम की भी चाय यहीं पिए। हाँ ये बचेगी ना अभी तो, इसमें भाई भाई गिरा ना, बहुत चाय है इसमें भी, गिरा तो जाएगा आराम, बहुत चाय है इसमें भी। अरे 1.5 लीटर चाय है ये, पाव पाव लीटर एक एक के नसीब में है। मस्त मज़ा, माइंड फ्रेश हो रहा है, यही सुकून रहता है ना जिंदगी का। तो ये वाइड एंगल देखो, इधर देखो सब लोग, नॉर्मल पिक्सल,